हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुख जय व्यासे। देखिए, सुबह ठीक से ज़रा वीडियो बन नहीं पाई क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। रात को ही पूजे पे कामाख्या माँ का सुबह से सब चालू था। कल हमारा कामाख्या में भी बात हुआ, वहाँ पे से भी सब। इस बार वहाँ मेला वेला लगा नहीं, लेकिन वहाँ में मेरे गुरुजी ने कहा कि आप चिंता मत करो, वहाँ से आपका जो भी सामान है आप तक पहुँचा दिया जाएगा। कल हमने खाना वाना भी बांटा, बहुत अच्छे से सब किया। तो कहने का मतलब ये था कि एक वीडियो में मेरा हल्का सा रह गया था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो कुछ खास लोगों के लिए बनी रहती हैं। मैं पहले तो ये बताऊंगी कि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ करिश्मा परी के लिए, शक्तियों के लिए। लोगों को शक्तियों का मंत्र चाहिए, मैं दे देती हूँ, लेकिन शक्तियों के मंत्र के लिए उनका सही टाइमिंग और सही तरीके से करना ज़रूरी है। अभी एक जन है हमारे, उन्होंने मुझसे मंत्र मांगा, मंत्र की पूजा भी की। मैंने उन्हें कहा था उसका सेफ्टी मंत्र लेना ज़रूरी है, उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने क्या, उनका पागलपंती चालू हो गया। वो मैं बोली तुमने ये नहीं देखा, क्योंकि परी या यक्षिणी कोई भी अगर आप खुद से सिद्ध करोगे, जब तक उसके पीछे गुरु का हाथ नहीं रहेगा और गुरु उसको बताएगा नहीं सेफ्टी मंत्र, तब तक अगर वो किया तो वो शक्तियाँ उस पर हावी होकर उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। सुनते नहीं है कोई लोग, शक्तियाँ क्या कर सकते हैं आपको नहीं पता। अभी दो दिन पहले की बात बताती हूँ, मेरी बेटी का जन्मदिन था 25 तारीख को। वो बाहर गए थे बच्चों के साथ, फिर हमारे अन्नू जी आए थे हमसे सबसे मिलने, साथ में एक डांसर भी आई थी, बहुत अच्छी डांसर है वो, ऐसा नहीं, ऐसी थोड़ा बहुत डांस कर रही थी। केशव के पापा बैठे हुए थे, मैं बर्दाश्त करूँगी लेकिन मेरी शक्तियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती हैं। वो डांस करते करते केशव के पापा की तरफ भी थोड़ा इशारे करके डांस करने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं अपना हलवा बनाने चली गई मेरी बेटी के लिए। वो जिस म्यूज़िक की वजह से डांस हो रहा था, वो म्यूज़िक का चार्जिंग बंद हो गया। फिर बहुत देर तक हमने टीवी पे चालू किया, अब टीवी पे यूट्यूब पे सर्च मार रहे थे कि यूट्यूब पे गाना चालू करके डांस करें, लेकिन वो नहीं कर पाई। साथ में ये तो मज़े की बात, देखो डांस भी नहीं कर पाए और प्लस हमारा डॉगी हस्की वो उनके पीछे पीछे घूम घूम के उसको डांस ही नहीं करने मिला। तो ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि वो मालिक हैं, क्योंकि मैं मालकिन हूँ। अगर मैं अपनी शक्तियों की, मैं शक्तियों के अधिपति हूँ, हम उनके आका हैं, तो आका के हस्बैंड क्या रहेंगे, वो मेरे पति हैं। केशव के पापा मेरे पति हैं, तो वो, अब मैं उनको ही नहीं, बहुत सारे जनों को बहुत बार समझाई हूँ। मेरे घर में बहुत ऐसे लोग आए हैं जो रह रहे के चले गए हैं, 50 बार समझाया, मेरी चीज़ों पर नज़र रखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बर्दाश्त करूँगी, शक्तियाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो रास्ता ही बंद कर देती हैं आने का। फिर मैंने हमेशा कहा, लेकिन सबको बहुत समझ में नहीं आती, मैंने हमेशा कहा, मेरे घर पे ऐसे 2-3 जन थे जो अच्छा खासा हमारा रिश्ता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने केशव के पापा पे नज़र मारी तो मैंने बर्दाश्त किया, मेरी शक्तियों ने बर्दाश्त नहीं किया, उनको हटा ही दिया, हमेशा के लिए हटा दिया। 1-2 जनों का तो मेरे से बातचीत सब बंद करवा दिया। ये है शक्तियों का कमाल, क्योंकि मैं बर्दाश्त करूँगी वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। जैसे कल की बात कही ना, उनको बारिश ये थी, पूरी रात बारिश हुई है। सच में मुझे, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, जो भी केशव के पापा के साथ उनके दोस्त वोस्त घूमते हैं उनसे पूछिए, वो बता देंगे कि हाँ सच में बारिश हुई। देखिए, केशव के पापा एकदम स्पेशल है, जो मैं आज उनके लिए कर रही हूँ ना, मैं बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन कुछ कमीने इंसान ऐसे थे जो उनके साथ उनको दगाबाज देने के लिए बहुत कुछ गलत कर दिए। तो जान दो, उनकी बात मुझे करनी नहीं, हम सबक सिखाएंगे। मेरे लिए कहना मतलब इतना है कि जो भी ये जो हम शक्तियाँ देते हैं उसका सही मतलब रखो, सही चीज़ करो। अभी आपको बताती हूँ, कुछ कुछ नायाब चीज़ें हैं कि मैंने केशव को पापा को पहना के रखी हैं। उन्होंने कल ऐसे ही कहा था कि ये सारी चीज़ें पहनने से क्या होता था। उन्होंने भाई, उनके दोस्त लोग भी हैं जो कहते होंगे कि हमें भी ज़रा पूजे पाठ का नहीं। मैंने केशव के पापा को क्या कहा, तुम, आप और आप बच्चे लोग सब लोग खा पी के मस्त रहो, मेरे पूजे के काम में बीच में नहीं बोलने का, और कोई भी तुम्हें कितना भी रिक्वेस्ट करे मेरे तक काम नहीं लाने का पूजे का, मैं अपना काम बखूबी करती हूँ। पहली बात तो मैं यहाँ का काम ही नहीं लेती, मेरा सारा काम बाहर गांव का रहता है, पंजाब, लुधियाना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मैं यहाँ का काम नहीं लेती हूँ, क्योंकि नहीं चाहिए। यहाँ के लोग कैसे मालूम है आपको, खास करके गोराई का बता रही हूँ मैं, यहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि काम हुआ तो जय जयकार, नहीं हुआ तो पर काम होने के बाद भी बात नाम ख़राब करेंगे। मैंने केशव के पापा को एक ही बात कहा, पैसों से हेल्प कर दो, अनाज से हेल्प कर दो, ऐसे कर दो, लेकिन सामान से नहीं, मतलब पूजे पाठ से नहीं, मेरे बिजनेस पूजे पाठ के काम में नहीं बोलने का, मेरे बिजनेस में नहीं बोलने का बीच में, तुम बस खाओ पियो मस्त रहो, जो चीज़ें तुम पहनते हो। उन्होंने कुछ ऐसी नायाब चीज़ें पहनी हैं जिसके लिए लोग पूछते कहाँ से पाया, ये कहाँ से मिला, तो मुझे पूछते हैं, मैंने बोला आप पहनो, जो चीज़ आप पहन रहे हो वो दूसरों की औकात नहीं पहनने की, समझे। जो चीज़ मैंने आपके लिए ली है
वो चीज़ें मुझे चाहिए नहीं। तो उन्होंने कल मेरी बहुत परीक्षा ली रात को, बहुत बार हंस के बोला अरे इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा। मैं बोला आप भी ये बात जानते हो विद्या देवी पैसे के लिए तो कभी बिकी ही नहीं है, समझे। जिस पोजीशन पे तुम हो उस बराबरी में मैं किसी को कभी खड़ा होने ही नहीं दूंगी। जो चीज़ तुमने पहनी मैं किसी और को दूंगी ही नहीं, दूसरे को दूंगी ही नहीं, क्योंकि वो उनके लिए बनी है। क्योंकि जो चीज़ मैंने उन्हें पहनाया है ना, तो मैंने उन्हें कहा जो चीज़ तुमने पहना भी देखो कामाख्या का कपड़ा आता है, मैंने उन्हें बताया कि कामाख्या से जो कपड़ा होता है वो माँ के रुधिर का पत्थर में से 3 दिन खून निकलता है। वो कपड़े में इतनी ताकत रहती है कि वो कपड़ा जो तावीज़ में डाल के पहन लेना, कोई कितना भी जादू करनी करे वो उस पर नहीं आता है, नहीं नहीं तो नहीं आता है। दूसरी बात, ये जो चीज़ें मैंने उनको पहनाई हो, पहनाने में अपने आप में एक बड़ी बात है, वो शेर के जैसा दिमाग रहता है, उनके आगे कोई टिक नहीं सकता। अगर उन्हें कोई कोई चीज़, मैं खुला बता रही हूँ, जो चीज़ हम पहनाते हैं उसमें अगर कोई चीज़ अपने आप को काट के भी खिलाएगा पिलाएगा ना उनको, उन पर असर ही नहीं करेगा। या तो उस बंदे से उसका झगड़ा हो जाएगा जो बंदा उनको खिला रहा है, या तो उस आदमी से उसकी नफरत हो जाएगी। मतलब जैसे समझो केशव के पापा ने कुछ पहना है, उसकी वजह से अगर वो सामने वाले बंदे से कितनी भी बात करे, वो बात करेगा, वो इंसान उससे दूर ही रहेगा, उनसे बात ही नहीं करेगा। उनको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आदमी ने मेरे लिए कुछ गलत कहा है। उनकी एक ही सजा है कि वो आदमी उन्हें सॉरी बोलते तो मान सकते। तो मुझे एक बात कहा उन्होंने कि तू भी मुझे सॉरी बोल। मैंने बोला मैंने तुमको पाने के लिए कभी कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। हमारे घर में खाना बनता है, सब लोग खाते हैं, सब कुछ करते हैं। मुझे प्यार पाने के लिए डेट का पानी, वहाँ का बाल, वो सब मिला के खिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करता है ना उसको जाके पूछो। और ये गलत काम करके सड़ने वाले आदमी सड़ रहे हैं। मैं एक बात बता दूँ जिनको, और एक और बात मैंने उनको यही कहा, किसी की शादी है, किसी गरीब की लड़की की शादी है, सब मदद करो, पूजे पास से रिलेटेड कोई काम नहीं बोलने का। आप खाओ पियो खुश रहो। हाँ अगर आपके कोई कोई लोग परेशान है तो उनको आए बोलो, यूट्यूब देखिए, यूट्यूब पे छोटे मोटे उपाय बताते कर दो। तो मैं उनके लिए खास सिर्फ केशव के पापा की तरफ से मैं बता रही हूँ जो लोग परेशान है, क्योंकि कुछ लोगों का ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब है। 5 राशियाँ, सिंह राशि आती है, जिस राशि सिंह राशि वालों का अक्षर म आता है, ह आता है, ऐसे बहुत सारे अक्षर आते हैं। वृश्चिक राशि में न राशि आती है, न अक्षर की राशि आती है, और भी बहुत सारे राशि आते हैं जो मुझे मेन मेन नाम पता है। मकर राशि है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि में ज़्यादा करके एस एस नाम वालों को बहुत प्रॉब्लम है। मीन राशि में सी राशि वालों को, जिसका अक्षर सस सी से आता है, सी एच, जैसे कैसे बताऊँ मैं, अभी बहुत सारे नाम होते हैं। अब ऐसे समझो मेरी मौसी का नाम है चंद्रकला, फिर बहुत सारे मतलब ऐसे च राशि मीन राशि वाले, ये सब राशि वालों को पूरा साल खराब है। मतलब ये 5 राशियों का चाह के भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं बस ऐसी केशव के पापा के हिसाब से बस बताऊंगी कि अगर किसी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है घर में, हाँ अगर उन पर अगर मैंने वार किया रहेगा तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। अगर मैंने उन पर वार किया है तो कोई पंडित कोई मौलाना नहीं बचा सकता। लेकिन हाँ अगर सच में उन मुसीबत में बाहर से कुछ मुसीबत है तो उसके लिए एक ही तरीका है, काला कपड़ा ले लीजिए, उसमें फिटकरी बांध लीजिए, 5 बिबुआ बांध लीजिए। बिबुआ बहुत पावरफुल होता है, बिबुआ बांध दीजिए, बिबुआ बांध के अपने घर में टांग दीजिए और हर अमावस को बदली कर दीजिए। थोड़ी बहुत राहत तो आपके घर में आपको मिल जाएगी, ये वादा है मेरा। दूसरी बात, परिका, जो परिका आप बोलते हो, तो परिका मंत्र ऐसा है कि मंत्र करने के लिए गुरु की आज्ञा बहुत ज़रूरी। मैं तरीका नहीं बताऊँगी कि उसे कैसे करना है, क्योंकि मैं तरीका किसी को नहीं बताती हूँ। मैं मंत्र दे देती हूँ, आप लोग करो, जब तक उसका सेफ्टी मंत्र नहीं मिलेगा उसका कुछ नहीं हो सकता। सेफ्टी मंत्र जब नहीं, सेफ्टी मंत्र मतलब हम लोग को शक्तियों को कंट्रोल करने का मंत्र। अगर हम बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, वो हमारे आगे नहीं चलेंगे। उसका मंत्र वो तो सिर्फ गुरुओं के पास रहता, वो हम देते नहीं हैं। तो वो मंत्र अगर आपको करना है वो मंत्र कीजिए 10,000 बार, परी खुद को कुछ हाजिर हो जाएगी। लेकिन जब सेफ्टी मंत्र नहीं रहेगा तो वो आपसे जो चीज़ मांगेगी आपको उसको देना पड़ेगा। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है, हूँ अल्लाह हू लज्जी, हूँ अल्लाह हू लज्जी, विश्व सुंदरी करिश्मा परी यागच यागच। मैं लिख दूँ नीचे, हूँ अल्लाह हू लज्जी विश्व सुंदरी करिश्मा परी यागच यागच। बस ये मंत्र पढ़िए, 10,000 बार करना है, इसमें कोई हवन ववन तो होता नहीं है। इतना तरीका जरूर बताती हूँ, रात को 11 बजे शुरू करना है, जुम्मे की रात से शुरू करो। अगर आपने किसी ने सिद्धि करके दी है तो बस ये मंत्र बुलाते ही आ जाएंगी। सेफ्टी मंत्र नहीं रहेगा तो आपके जान मान के साथ खेल सकती हैं, बस ऐसी बात है।
इससे ज़्यादा मैं बताऊंगी नहीं। बाकी अगर कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए या सेफ्टी मंत्र चाहिए तो हम गुरुओं से किसी से कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा, बात ख़त्म। दूसरी बात, जब बिल्कुल भी गलती मत कीजिए। बहुत सारे लोगों ने गलती की, हमारे घर में अच्छा खासा पैसा खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन मेरी चीज़ों पर नज़र रख के हमेशा के लिए गायब, क्योंकि मेरा मंत्र सब नहीं जानते। जानते हो आप लोगों को हमेशा बोलते हम छुड़ाए तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। मैं आशीर्वाद बोलूँगी, गलत नहीं बोलूँगी। ये मामले में अगर केशव के पापा ने भी कभी चीटिंग किया ना, सारा सुख देने के बाद भी अगर वो भी कहीं गएंगे तो देखो, हर औरत अच्छी नहीं होती है, हर औरत विद्या देवी नहीं होती। मैंने नहीं कहा जैसे नायाब चीज़ तुम सबको दिखा रहे हो कि खरीद के दो। अगर कल किसी ने कहा कि मुझे विद्या देवी जैसी कोई चीज़ तो तुम दोगे, तो बोलते कैसे, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैंने बोला वही बात है ना, जैसे मैं तुम्हारी बीवी हूँ तो कोई नायाब चीज़ तो मैं ढूंढ के लाई रहूँगी ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं। जैसे हर किसी के नसीब में विद्या देवी नहीं है तो हर किसी के नसीब में वो नायाब चीज़ नहीं है। तो अगर ये बात, तो यही बात समझाना चाहूँगी कि कभी वो भी ये गलती नहीं करे, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले आईनी अमलियत में देखा है कि कोई तो औरत है जो उनको फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने उन्हें बात बताई नहीं है क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना ढाल बन के, जो फंसाने को देखेगी मैं उसका सामान ही ख़राब कर दूँगी, बात ही ख़त्म। लेकिन तो भी मैंने उन्हें एक ही बात समझाई कि ज़िंदगी में दो उसूल कभी मत छोड़ो। चाहे औरत तुम्हारे सामने नंगी खड़ी हो जाए, कोई भी उसकी तरफ आँख उठा के मत देखो, क्योंकि हर औरत अच्छी नहीं होती है। वो तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और हर दोस्त अच्छा नहीं होता है, दोस्त से बड़ा कमीना दोस्त कोई नहीं होता है, क्योंकि हर दोस्त पीठ पे छुरा घोंपने वाला ही रहता है। वो तुम्हारे घर की औरत, उनको तुम्हारे कपड़े पसंद आएंगे, तुम्हारे गहने पसंद आएंगे, तुम्हारे घर की औरत पसंद आएगी, उनको तुम्हारी हर चीज़ पसंद आएगी। हर दोस्त कमीना होता है। बस ये दो चीज़ से अगर इंसान पार पा गया ना, ज़िंदगी में टॉप लेवल पे चला जाएगा। बस तुम्हारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय माँ युवासी।